लागू हुए अभी मात्र कुछ दिन हुए हैं, मगर इसका असर सामान्य जीवन में पड़ता दिखाई दे रहा है। जीएसटी के कारण रोजमर्रा की कुछ चीजों में जहां कमी आई है, वहीं कुछ चीजों के दामों में काफी इजाफा होने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा में दी जाने वाली लंगर सेवा पर भी इसका खासा असर हुआ है। एसजीपीसी की ओर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी के सैकड़ों ऐतिहासिक गुरुद्वारे में लंगर सेवा दी जाती है, मगर जीएसटी की वजह से लंगर के लिए ली जाने वाली वस्तुओं के दाम जो पहले मासिक 70 करोड़ था, अब उस पे 10 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा है, जिसके कारण एसजीपीसी को काफी मुश्किलें आ रही है। जीएसटी का असर एसजीपीसी की तरफ से दिए जाने वाली लंगर सेवा पर पड़ा है, इसका क्या असर पड़ा है, इस वक्त हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चिम्मा जी हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से जो है मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी को बढ़ाया गया है, तो एसजीपीसी की तरफ से जो लंगर सेवा दी जाती है उस पर किस तरीके का असर देखिए, बड़ी मुद्दत के बाद सारे देश में टैक्सेशन का सिस्टम चेंज हुआ और जीएसटी के लागू होने से फ़ायदे भी देश में बहुत ज़्यादा हुए, इसलिए वेलकम भी सब ने किया कि सारे देश में एक साथ सिस्टम हो गया। लेकिन कुछ संस्थाओं को नया सिस्टम है तो अभी मुश्किल भी आ रही है। तो इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कुछ खास रिलैक्सेशन थी, क्योंकि एक रिलीजियस बॉडी है जिनका सारा काम जो है सेवा का, और संगत के पैसे से ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काम करती है, गुरुद्वारा साहिबान की संभाल भी करती है, यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए लंगर का 24 आवर्स प्रबंध करती है, प्रसाद का प्रबंध करती है, उनके रहने के लिए जो सराय हैं उनकी मैनेजमेंट करती है। तो जितनी भी सेवाएं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रही है वो सारी मानवता के लिए हैं, सभी धर्मों के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए ये सेवाएँ होती हैं। तो इसी कारण से उनको पहले वैट में कुछ छूट दी हुई थी, रिलैक्सेशन दी हुई थी, क्योंकि सारा काम सेवा का और बिना कोई चार्ज लिए जो सारा कुछ दिया जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले वैट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगता था तो उसमें वैट की रिलैक्सेशन उनको दी जाती, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो परचेजेस हैं वो 70-80 करोड़ से राशन के ऊपर उनका ज़्यादा लगता है, तो इस हिसाब से 10-11 करोड़ का उनको फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने अभी जेटली साहब से मांग की है कि क्योंकि ये सारा ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए काम है, लंगर सब के लिए है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसके ऊपर जीएसटी में जो भी चीज़ें वो खरीदते हैं एसजीपीसी को छूट दी। सर, अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो एसजीपीसी के अंडर किन किन राज्यों के गुरुद्वारे आते हैं और कितने गुरुद्वारे में ये सेवाएँ दी जाती हैं? एसजीपीसी का जो घेरा बहुत काफ़ी बड़ा, इसमें एक तो पंजाब के जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हरियाणा के, हिमाचल के और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के, ये एरिया है, यहाँ से एसजीपीसी जो है इनके सारे, लेकिन इनकी जो संस्थाएं हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में भी काम करती हैं, जो धर्म प्रचार का काम करती हैं, जो एजुकेशन का काम करती हैं, तो इनका बॉम्बे में भी कॉलेज है और जगह भी, इनका एजुकेशन का दान जो है वो सारे देश में और जगह भी करते हैं, तो सारा काम भी इनका सेवा का है। तो अभी जेटली साहब से हमारे जो एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर कपाल सिंह डुंगर साहब, उन्होंने लेटर भी लिखी है, और हमें अच्छा भी ये है कि जेटली साहब खुद अमृतसर के रहने वाले हैं, वहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं, पंजाब के हैं, तो वो गुरुघर को भी समझते हैं, श्रद्धालु भी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात हम टेकअप भी करेंगे पार्टी की तरफ से भी। एसजीपीसी ने ऑलरेडी टेकअप किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो दरबार साहब में भी कुछ ना कुछ दान में पड़ना चाहिए, तो ये रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए। सर, केंद्र की अगर बात करें, अकाली के मंत्री जो है वहाँ पर है हरसिमरत बादल जी, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए? अभी तक तो जो है छूट मिल जानी चाहिए थी, तो कितनी जल्दी जो है आप? मैं क्या, हरसिमरत जी भी हमारे हैं, जेतनी साहब भी हमारे हैं, वो भी श्री अमृतसर साहब को जो है उसको स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए जेतनी साहब ने भी बहुत बड़ी कोशिश की है, उन्होंने भी श्री अमृतसर साहब से इलेक्शन लड़ी है, उनका घर है अमृतसर में, तो वो खुद दरबार साहब के श्रद्धालु हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि नया सिस्टम बना है तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने दी भी हैं, लेकिन शायद एसजीपीसी की अभी पूरी तसल्ली नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि जेटली साहब जैसी पर्सनैलिटी जो खुद इसकी वैल्यू लंगर की, प्रसाद की, सब चीज़ों की समझती है, तो वो कोई ना कोई हल इसका जरूर निकालते हैं। टोटल कितना अमाउंट मान के चले कि कितना जो है अतिरिक्त भार पड़ा है?
जो रफली अध्यक्ष जो हैं हमारे SGPC के, उन्होंने बताया कि 10 करोड़ का आसपास उनको फ़र्क पड़ता है, काफ़ी बड़ा, क्योंकि सारा पैसा तो जो भी आएगा SGPC के पास लोगों की सेवा में जाएगा, चाहे एजुकेशन में जाएगा, चाहे हेल्थ में जाएगा, चाहे लंगर में जाएगा, चाहे बाकी जगह जाएगा। तो ये तो संस्था ही सारी जो है सेवा की है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जेटली साहब तो सारा इतिहास जानते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसका रिलीफ उनको मिल जाए। क्या जेटली साहब के साथ जो है SGPC के जो प्रतिनिधि मंडल हैं और अकाली दल के, क्या मिलने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली हरसिमरत जी ने पहले नेशनल लेवल के ऊपर टेकअप किया, प्रधान साहब ने खुद उनको लिखा, जरूरत पड़ेगी हमारे MPs टेकअप करेंगे, ये सबका एक साझा विषय है, तो मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, थोड़े दिनों में कोई ना कोई हल इस मसले का निकला। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दलजीत चीमा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि GST के बाद जो है SGPC की तरफ से जो लंगर सेवाएं दी जाती है उसमें अतिरिक्त अगर भार की बात करें तो 10 करोड़ के ऊपर पड़ा है, और इनकी ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि इस भार को जो है, इस बोझ को केंद्र सरकार ज़रूर कम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ चंडीगढ़ से न्यूज़ नंबर के लिए ईशा ठाकुर। SGPC के प्रधान की तरफ से जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस संबंध में पत्र लिखा गया है, वहीं श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस संबंध में जल्द मुलाकात भी की जाएगी। उन्हें भरोसा है कि उनकी मांग को जरूर माना जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से मानवता का काम किया जा रहा है। SGPC की तरफ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और UT में सैकड़ों ऐतिहासिक गुरुद्वारे में लंगर सेवा दी जाती है, मगर GST के बाद SGPC पर जो है 10 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा है, जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल और SGPC के सदस्य जल्द ही इसमें छूट की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे।